हेलो डियर फ्यूचर फार्मासिस्ट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इजी टू लर्न फार्मेसी में। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी अपडेट के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप फार्मेसी जगत से नाता रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी होने वाली है, इसलिए भी इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो जैसे ही अपन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करते हैं, अपन रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी में वैकेंसी आई हुई है। इसमें अपन ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे और इसमें जो अनाउंसमेंट में अपन देखेंगे करंट अपॉर्चुनिटी को अपन क्लिक करते हैं और इसमें अपन को देखने को मिलेगा कि न्यू वैकेंसी क्या रहने वाली है। जैसे अपन करंट अपॉर्चुनिटी में आते हैं तो यहाँ पर अपन को वैकेंसी फॉर द प्रोजेक्ट JRF एंड प्रोजेक्ट असिस्टेंट पोजिशन देखने को यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो अपन इसकी PDF को जो है तो डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है, इसको अपन डाउनलोड करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन कॉल नहीं किया तो सबसे पहले जाएं और सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी वैकेंसी अपडेट स्टडी रिलेटेड मटेरियल है वो आपके पास सबसे पहले मिल पाए। ठीक है, जैसे ही अपन इसकी PDF को डाउनलोड करते हैं तो अपन को कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। तो अपन यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर जो वैकेंसी रहने वाली है वो दो प्रकार की रहने वाली है। पहली वैकेंसी रहने वाली है प्रोजेक्ट JRF की, जूनियर रिसर्च फेलोशिप की। इसमें अपन बात करेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है क्या, MSc बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, फार्मेसी, फार्माकोलॉजी क्वालिफिकेशन विथ एनी नेशनल लेवल टेस्ट। अगर आपने नेशनल लेवल कोई टेस्ट पास किया है जैसे GPAT, GATE, UGC, CSIR, NET, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मांगी गई है। फिर अपन बात करेंगे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कौन रहने वाले हैं यहाँ पे, कि तो यहाँ पे अपन बात करेंगे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर रहने वाले हैं कौन, डॉक्टर अविनाश बजाज प्रोफेसर रहने वाले हैं। अपन यहाँ पे बात करेंगे कि कितनी टोटल वैकेंसी रहने वाली है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी रहने वाली है वो नंबर ऑफ वैकेंसी 1 रहने वाली है। इसकी जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 37,000 प्लस 24% HRA पर मंथ। फिर अपन एक और बात करेंगे इसमें जो अपन को यहाँ पे देखने पड़ रहा है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की। इसमें भी जो है तो फार्मा कैंडिडेट जो है एलिजिबल रहने वाले हैं, MSc फार्मेसी प्लस फार्माकोलॉजी और उसके साथ जो है तो बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे मांगी गई है। फिर इसमें भी जो है तो प्रोजेक्ट इन्वेस्टर रहने वाले भाई डॉक्टर बजाज प्रोफेसर। ठीक है, इसमें भी जो नंबर ऑफ वैकेंसी मांगी गई है वो मांगी गई है क्या 1। इसमें जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली थोड़ा उससे कम, 20,000 पर मंथ प्लस 24% HRA पर मंथ। ठीक है, इसकी जो अंतिम तिथि रहने वाली है अप्लीकेशन फॉर्म की वो रहने वाली है 22 जनवरी 2024 शाम को 5 बजे तक। तो उससे पहले आप जो है इसे जाके भर दें ताकि आपको जो है तो जल्दी जो है तो इसमें जो है तो कोई दिक्कत ना हो। फिर अपन बात करेंगे कैसे इसको फिल करना है और क्या इसकी जो है तो डेट रहने वाली है और सारी चीज़ें। अगर मान लीजिए इस पेपर में आप क्वालिफाई होते हैं तो आपको यहाँ पे जो है तो देखने को मिलेगा, अगर शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड इन्फॉर्म बाय द 23 जनवरी 2024 बाय ईमेल के द्वारा जो आपको पता चल जाएगा कि आप जो है शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं। फिर उसके बाद आपका जो इंटरव्यू है वो होने वाला है 25 जनवरी 2024 को, वो भी 10 AM से स्टार्ट हो जाएगा सुबह के। ठीक है, अगर आपको कोई भी एनी इंक्वायरी है तो आप यहाँ पे जो है तो ईमेल करके आप पूरी इंक्वायरी के बारे में जान सकते हैं। फिर अपन बात करेंगे इसमें जो प्लीज़ अपलोड कॉपीज फॉर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करने पड़ेंगे, डिग्री सर्टिफिकेट हो गया और सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस हो गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं, अगर आप हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन कॉल करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।